लुत्फ भी। देखो और सीखो। हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब? मैं हूँ आपका दोस्त हनुमान। बच्चों, आज की कहानी बड़ी ही इंटरेस्टिंग होने वाली है, ना सिर्फ आपके लिए बल्कि आपके घर के बड़ों के लिए भी। तो आज ये कहानी आप पूरा देखें और फिर अपने पेरेंट्स, ग्रैंड पेरेंट्स और बाकी रिश्तेदारों, फ्रेंड्स के साथ में से जरूर शेयर करें। तो शुरू करें बच्चों। बच्चों, हमारे भारत देश का सबसे प्रमुख धर्म सनातन धर्म है। सनातन धर्म में चार युग होते हैं। पहला सतयुग, दूसरा त्रेता युग, तीसरा द्वापर युग और चौथा कलयुग। हम जिस युग में जी रहे हैं उसे कलयुग कहते हैं। इन्हीं चार युगों के प्रतीक के रूप में हमारे देश के चार अलग अलग देशों में चार धाम विराजमान है। सबसे पहले आता है बद्रीनाथ, जो भारत के उत्तर दिशा यानी नॉर्थ साइड में स्थित है, जो सतयुग का प्रतीक है। दूसरा धाम आता है रामेश्वरम धाम, जिसकी स्थापना भगवान श्री राम ने की थी। ये दूसरा युग यानी त्रेता युग का प्रतीक है। तीसरे युग में स्वयं भगवान श्री कृष्ण द्वारिकाधीश बनकर द्वारिका पे राज करते थे। उसी द्वारिका नगरी को तीसरा धाम यानी द्वापर युग के प्रतीक में पूजा जाता है। चौथा युग यानी कलयुग के प्रतीक में श्री जगन्नाथपुरी धाम, जो भारत के ईस्टर्न साइड यानी पूर्वी दिशा पर स्थित है। श्री जगन्नाथ धाम की कहानी बड़ी ही अद्भुत है। द्वापर युग में जब महाभारत का युद्ध खत्म हुआ, तब कौरवों की माता गांधारी भगवान श्री कृष्ण पर बहुत क्रोधित थी। हे कृष्ण, अगर तुम चाहते तो इस युद्ध को रोक सकते थे, किंतु तुमने ऐसा नहीं किया। मैं शिव भक्तनी गांधारी तुम्हें श्राप देती हूँ। जिस तरह मेरे पुत्र मर चुके हैं, उसी तरह तुम्हारा यदुवंश एक दिन मिट जाएगा। तुम्हारा यदुवंश आपस में ही लड़कर कटकर मर जाएगा। भगवान श्री कृष्ण ने श्राप को हंसते हुए स्वीकार किया और कुछ समय बाद ऐसा ही हुआ। किसी विवाद के चलते यदुवंशी आपस में ही लड़कर एक दूसरे की हत्या कर दी, जिसके बाद पूरी की पूरी द्वारिका नगरी भी समुद्र में समा गई। भगवान श्री कृष्ण भी अपना देह त्यागना चाहते थे। तभी जरा नाम का शिकारी वहां आया और भगवान श्री कृष्ण के पैर के अंगूठे को हिरण की आंख समझकर तीर मार दी, जिससे वो तीर भगवान श्री कृष्ण के पैर के अंगूठे पर जा लगा। हे माधव, ये मैंने क्या कर दिया? मैंने आप पर तीर चला दिया। नहीं जरा, तुम अपने आप को इसका अपराधी मत मानो। पूर्व जन्म में मैं राम के रूप में जन्म लिया था और तुम वानराज बाली थे। मैंने युद्ध नियम का पालन ना करते हुए तुम्हारा वध किया था और उसी के प्रतिफल इस जन्म में तुम मेरे देह त्यागने में सहायता कर रहे हो। लेकिन शिकारी जरा इस बात को सहन ना कर पाया और वो अर्जुन को जा बताया। अर्जुन इस बात को सुनकर बहुत दुखी हुआ और भगवान श्री कृष्ण का अंतिम संस्कार कर दिया। भगवान श्री कृष्ण का भौतिक शरीर तो जल चुका था, लेकिन उनका हृदय नहीं चला था, जिसे बाद में अर्जुन ने एक लकड़ी में बांधकर नदी में प्रवाहित कर दिया। बहते बहते भगवान श्री कृष्ण का हृदय ओडिशा के नीलगिरी नामक एक प्रांत पर जा पहुंचा। वहां के सवारा नामक एक आदिवासी प्रजाति ने इस दिव्य हृदय को एक गुफा में रखकर उसकी पूजा की, भगवान श्री नील माधव के रूप में। नील माधव की पूजा सवारा की प्रजाति और उनके मुखिया विश्वासु करते थे। वही दूसरी ओर अवंती में राजा इंद्रम्युन, जो भगवान विष्णु के बहुत बड़े भक्त थे, वो भगवान श्री विष्णु के दर्शन करना चाहते थे और इस बात से बड़े ही विचलित रहते थे। एक दिन वहाँ एक साधु पहुँचे। उन्होंने नील माधव गुफा के बारे में बताया। राजा इंद्रद्युम्न बिना कोई समय कमाए अपने सेनापति विद्यापति को हाथों हाथ नील माधव की गुफा की खोज के लिए भेज दिया। विद्यापति कई दिनों की खोज के बाद ओडिशा के नील माधव गुफा के पास पहुंच गए, लेकिन उन्हें नील माधव गुफा के बारे में ज्यादा कुछ नहीं पता था। वह सवारा प्रजाति के मुखिया विश्वासों के पास पहुंचे और उनसे नील माधव गुफा देखने का अनुरोध किया। विश्वासों ने साफ मना कर दिया। विद्यापति उदास होकर उसी गाँव में कबीले के बीच कुछ दिनों के लिए रहने लगे। कुछ दिनों बाद विश्वासों की बेटी से विद्यापति का विवाह हुआ। विवाह के बाद विद्यापति ने अपने पत्नी से नील माधव के दर्शन करने की इच्छा जताई। विद्यापति की पत्नी उसके पिता से बात करती है और उसके पिता को मना देती है, लेकिन विश्वासों ने एक शर्त रखी कि विद्यापति अपनी आंखों पे पट्टी बांधकर ही नील माधव के गुफा तक पहुंचेगा और उसके बाद ही वो नील माधव के दर्शन कर पाएगा।
विद्यापति ने इस शर्त को मान ली, लेकिन वहां पे उसने चालाकी कर दी। विद्यापति अपने साथ सरसों के कुछ बीज ले गया। जिस रास्ते से वो जा रहा था उसी रास्ते पे सरसों के बीज को छोड़ता चला गया। कुछ समय बाद वो नील माधव की गुफा तक जा पहुंचा, जहां नील माधव के अद्भुत रूप को देखकर वह मंत्रमुग्ध हो गया। तुरंत अपने राज्य जहां पहुंचा और राजा इंद्रद्युम्न को पूरी बात बताई। राजा इंद्रद्युम्न भी अपनी पूरी सेना और रानी के साथ में नील माधव गुफा की ओर चल पड़ा, जहां पर उसे सरसों के बीज बोए थे वहां सर और उसी के रास्ते वो नील माधव की गुफा तक जा पहुंचे। पर वहां नील माधव नहीं थे और वहां से अंतर ध्यान हो चुके थे। राजा वहां से दुखी होकर अपने राज्य पर आ लौटा। एक दिन राजा के स्वप्न में भगवान श्री नारायण पधारे। हे राजन, तुम इस तरह से विचलित ना हो, पूरी के समुद्र तट पर तुम्हें लकड़ी का एक लट्ठा मिलेगा। उस लकड़ी पे शंख चक्र गधा और आदि मेरे निशान होंगे। उस लकड़ी को तुम्हें ढूंढना है और उसमें से तीन मूर्तियां बनानी है, एक मेरी, दूसरी मेरे बड़े भाई बलराम की और तीसरी मेरी बहन सुभद्रा की। स्वप्न से उठकर तुरंत पुरी की तरफ चल, जहां उसे वो लकड़ी का लट्ठा मिल गया। वो लकड़ी इतनी भारी थी कि हाथी भी उस लकड़ी को हिला नहीं पाए। कई कोशिशों के बाद उस लकड़ी को राजा इंद्रयुन अपने राज्य तक ले आए, किंतु कोई भी कारीगर उस लकड़ी पर नकाशी नहीं कर पाया। एक दिन स्वयं विश्वकर्मा एक बूढ़े ब्राह्मण का रूप धारण कर वहां राजा के पास आए और कहने लगे, हे राजन, इस लकड़ी से मैं भगवान की मूर्ति बना सकता हूँ, किंतु मेरी एक शर्त है। मेरे कक्ष के आसपास कोई नहीं आएगा, ना मेरे काम में कोई बाधा डालेगा। मुझे 21 दिन का समय चाहिए इस मूर्ति को नकाशने के लिए। राजा इंद्रयुम्न ने उस वृद्ध ब्राह्मण की बात को मान लिया, लेकिन 15 दिन के बाद रानी गुंडीचा को कुछ शक हुआ और उसने उस बूढ़े ब्राह्मण के कक्ष का दरवाजा खोल दिया। दरवाजा खोलते ही बूढ़े ब्राह्मण तो वहां से चले गए, पर पीछे छोड़ गए कुछ अधूरी मूर्ति। राजा इंद्रवर्मा फिर से दुखी हो गए। तभी वहां भगवान श्री नारायण प्रकट हुए। हे राजन, तुम फिर से दुखी हो गए, मेरी मूर्तियां तो बन चुकी है ना, किंतु नारायण, आपकी मूर्तियां अधूरी रह गई। नारायण, इनकी मैं मंदिर में स्थापना कैसे करूंगा? नहीं राजन, यही मूर्तियां मंदिर में स्थापना होगी। प्रथम मूर्ति होगी मेरी, दूसरी मूर्ति होगी मेरे बड़े भाई बलराम की, और ये तीसरी मूर्ति जो सबसे छोटी है वो मेरी छोटी बहन सुभद्रा की है। इसी मूर्ति की इसी अवस्था में तुम स्थापना करोगे और मेरा एक भव्य मंदिर बनाओगे। राजन, मैं तुम्हारी इस भक्ति से बहुत प्रसन्न हूँ। मैं तुम्हें कुछ और भी वरदान देना चाहता हूँ, क्या तुम मुझसे कुछ और मांगना चाहोगे? हे प्रभु, जिसके सामने साक्षात नारायण खड़े हो उससे और कुछ मांगने की इच्छा नहीं होती, किंतु अगर आप देना ही चाहें तो मुझे ये वरदान कि मेरी कोई संतान ना हो। अगर मेरी संतान होगी तो वो आप पर अपना हक जमाएगी और ये स्थान, यहाँ के लोग आपकी भक्ति और आपके आशीर्वाद से वंचित रह जाएंगे। मैं चाहता हूँ कि आप इस स्थान पर विराजमान रहे सबके लिए, इस स्थान के वासियों के लिए, यहाँ के लोगों के लिए। आप यहाँ मेरे नाथ के रूप में रहे, इस जगत के नाथ के रूप में रहे, जगन्नाथ के रूप में रहे। नारायण, जगन्नाथ के रूप में। राजन, मैं तुम्हारे इस बात से बहुत प्रसन्न हुआ। मैं तुम्हें यह वरदान देता हूँ कि ये स्थान मेरा सबसे प्रिय स्थान होगा और इस स्थान में मैं अपने बड़े भाई बलभद्र और अपनी छोटी बहन सुभद्रा के साथ जगन्नाथ के रूप में रहूंगा। ये नाम मुझे बहुत प्रिय रहेगा। किंतु नारायण, अगर हमारी कोई संतान नहीं होगी तो हमारे वंश का क्या होगा? हमें कौन देखेगा? हमें भी पुत्र की इच्छा है, मुझे भी पुत्र की अभिलाषा है। नारायण, माँ, आज से आप मेरी मासी माँ है। मैं हर 7 दिन के लिए अपने भाई और बहन के साथ मंदिर से बाहर आऊंगा और आपके साथ आपके निवास स्थान पर रहूंगा और आपकी सेवा करूंगा। माँ, ये स्थान आज से श्री गुंडीचा धाम के नाम से जाना जाएगा और आप मेरी माँ
मेरी मासी माँ के रूप में पूजी जाएंगी गुंडीचा माँ। भगवान श्री नारायण की आज्ञा अनुसार पूरी स्थल में श्री जगन्नाथ पुरी धाम की स्थापना हुई और जिस तरह भगवान श्री नारायण ने गुंडीचा माँ को वरदान दिया था उसी तरह हर साल भगवान श्री नारायण अपने भाई बलभद्र और अपनी बहन सुभद्रा के साथ अपनी मासी माँ से मिलने जाते हैं, जिसे रथ यात्रा के रूप में धूमधाम से मनाया जाता है। तो बच्चों ये थी कहानी भगवान श्री जगन्नाथ की, जो इस समस्त जगत के नाथ है यानी लॉर्ड ऑफ द यूनिवर्स, और साथ ही में कि रथ यात्रा का त्योहार क्यों मनाया जाता है। तो बच्चों हम फिर मिलेंगे एक और नई कहानी और नई सीख के साथ आपके अपने ऐसी चैनल ऋत्विस में। देखो और सीखो, तब तक इस चैनल को आप लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल ना भूलें। और बच्चों याद रहे, इस कहानी को आप अपने बड़ों के साथ में जरूर शेयर करेंगे। ठीक है बच्चों, हम फिर मिलेंगे। बाय बाय।